Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Dear students, today's topic is vitamins. What are vitamins? It can be asked in short question. What are vitamins? In 1912, When is 1912, Hopkins noticed that in addition to carbohydrates, protein, and fat, that is the bit, some other substances are required for the normal growth of organism बात हो रही है जी किसी ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये जो हमारी गिजाएं हैं जानदारों की जो गिजाएं हैं कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन लिपिड्स इनके अलावा सम अदर सबस्टांसिस आर आलसो रिक्वायर्ड वो जो सबस्टांसिस हैं आल दो दे आर नीडेड इन समॉल क्वांटिटी येट दे आर कार्ड एसेसरी ग्रोथ फैक्टर अगर वो थोड़ी मिकदार में चाहिए लेकिन हर सूरत चाहिए इसलिए उनको क्या कह रहे हैं एसेसरी ग्रोथ फैक्टर कह रहे हैं बात को समझने की कोशिश करें क्या बात हो रही है जनाब विटामिन क्या होते हैं नाइनटीन टवेल्व की बात है हॉपकिन नोटिस दैट इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट दैट इज सम अदर लिपिट आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ऑर्गेजम

और इसने विटामिन बी वन को डिस्कवर किया था यानी थायामिन को डिस्कवर किया था अगर ये बात एम सी क्यूज में बेटा पूछी जाए तो आपको पता होनी चाहिए विटामिन बी वन को किसने डिस्कवर किया फंक ने डिस्कवर किया था और वो बी वन का नाम क्या है जी थायामिन थायामिन को यानी विटामिन बी वन को फंक ने डिस्कवर किया था अब अगर हम इसकी टाइप्स को डिस्कस करें तो टाइप्स को याद करना इंतहाई आसान है आपको नाम से पता चल जाएगा ये दो तरह की टाइप्स हैं विटामिन की फैट सालूबल विटामिन एंड सेकेंड टाइप इज वाटर सोलबल विटामिन देखें एज इट इज इंडिकेटेड बाय द नेम फैट सालूबल विटामिन मी दोज विटामिन विच आर सॉलुबल इन फैट दे आर कार्ड फैट सॉलुबल विटामिन दोज विटामिन विच आर सॉलुबल इन वाटर दे आर कार्ड वाटर सॉल्युबल विटामिन डेफिनेशन तो आसान हो गई अब इनकी एग्जांपल्स देख लेते हैं एग्जांपल्स मैं आपको एक फार्मूला से याद कराऊंगा आपने एक फार्मूला याद रखना है एडक ये कोई वर्ड नहीं है एडक सिर्फ याद रखने के लिए कि फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं विटामिन ए विटामिन डी विटामिन ई और विटामिन के ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं ठीक है जी इसको हमने एक लवस की शक्ल में याद किया है एडक एडक से ये हमें याद रहेंगे अब हमसे अगर वो पूछ ले तो इस वर्ड से एडक से हम विटामिन जो फैट साल विटामिन इसके नाम आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं दीज आर टेकन इन लार्ज क्वांटिटी वैन दे आर टेकन इन लार्ज क्वांटिटी दे आर अकोमोलेटेड इन द बॉडी फॉर एग्जाम्पल जो विटामिन डी है इट इज अकोमोलेटेड इन द बॉडी कट्ठा हो जाता है एंड काज इज बोन पेन एंड क्रिएट बोन लाइक डिपोजिट्स देखें विटामिन डी अगर ज्यादा मिकदार में ले लिया एग्जाम्पल हम विटामिन डी की दे रहे हैं ज्यादा मकदार विटामिन डी अगर हमने ज्यादा मिकदार में ले लिया है तो उसका क्या है जी वो काज करता है बोन पेन और क्रिएट करता है बोन लाइक डिपोजिट्स यानी पत्थरी की तरह की कोई चीज जो है आ, वो जो है बॉडी के अंदर अकमुलेट हो जाती है ठीक है जी और पूछा जा सकता है ये एक्टिविटी का क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ जो एक्टिविटी इसी टॉपिक के साथ दी हुई है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन यही तो है डिसएडवांटेजेस व्हेन फैट सॉल्युबल विटामिन आर टेकन इन लार्ज क्वांटिटी दे आर अकमलेटेड इन द बॉडी फॉर एक्जाम्पल वेन विटामिन डी इज टेकन इन लार्ज क्वांटिटी इट इज अकमुलेटेड इन द बॉडी एंड काज इज बून पेन एंड क्रिएट बोन लाइक डिपोजिट ठीक है जी ये डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हैं और इसकी डिस क्या है ये डिसएडवांटेजेस में लिख सकते हैं और इनकी डेफिशिएंसी से डिजीजेस भी काज होती हैं। वाटर सॉलबल विटामिन की एग्जांपल्स क्या हैं? विटामिन बी कम्प्लेक्स इस विटामिन बी कम्प्लेक्स में टेन विटामिन जो हैं वो इंक्लूडेड हैं और विटामिन सी उसकी एग्जांपल हमने याद कर ली एडक्स से विटामिन ए डी ई एंड के और इसकी एग्जाम्पल क्या है विटामिन बी कम्प्लेक्स जिसमें टेन विटामिन इंक्लूडेड है और विटामिन सी और इसके एडवांटेजेस भी शार्ट क्वेश्चन के अंदर पूछे जा सकते हैं वाटर सोलबल विटामिन के क्या एडवांटेजेस हैं ये आपकी एक्टिविटी का एक क्वेश्चन है शार्ट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है विटामिन वाटर सॉलेबल जो विटामिन हैं ये रेडली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बॉडी से और यही वजह है दे आर देयर फोर दे आर नॉट टॉक्सिक वेन दे आर टेकन इन लार्ज क्वान्टिटी आर लार्ज अमाउंट जब ये लार्ज अमाउंट में ले लिए जाए तब तो भी ये टॉक्सिक नहीं है क्योंकि ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम के जरिए ईजीली रेडीली एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं बाडी से इसलिए आ, हम कहते हैं जी ये टॉक्सिक नहीं है और ये चीज एडवांटेजेस के अंदर पूछी जा सकती है हम इनकी इनकी डेफिशिएंसी से भी डिजीजेस काज हो सकती हैं क्योंकि विटामिन की डेफिनेशन में हमने कहा था जनाब ये हमें थोड़ी मकदार में चाहिए लेकिन हर सूरत चाहिए यही वजह है कि ये एसेसरी ग्रोथ फैक्टर कहलाते हैं ये डेफिनेशन में हमने कहा था हाँ अलबत्तः इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो फिर डिजीजेस हो सकती हैं चाहे वो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं चाहे वो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं अब हम डिस्कस uh, कर लेते हैं विटामिन के जो सोर्सेज हैं यूजेज हैं और जो डिजीजेज हैं ये हमने याद करनी है हर एक पॉइंट जो है वो शार्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है ये भी पूछा जा सकता है व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ए या पूछा जा सकता है व्हाट आर द यूज ऑफ विटामिन ए या बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एच डिजीजेज आर कास्ट कौन सी डिजीजेस होती हैं विटामिन ए की डेफिशिएंसी से इसी तरह से विटामिन डी के सोर्सेज क्या हैं विटामिन डी के यूजेस क्या हैं और विटामिन डी की डैफिशंसी से होने वाली डिजीजेस कौन सी हैं एम में भी कुछ बातें जो हैं वो आ सकती हैं आप हर पॉइंट को समझा करें परखा करें देखा करें ऑब्जर्व किया करें फिक्र किया करें कि कौन सी बात किस तरह से एग्जाम में पूछी जा सकती है बेटे तो इसके पहले सोर्सेस को देख लेते हैं डेरी प्रोडक्ट्स विटामिन ए डेयरी प्रोडक्ट्स से आयल से ये भी डेयरी प्रोडक्ट्स से और आयल से हासिल होते हैं ये कॉमन चीजें होंगे ठीक है जी इसके अलावा ये कहां से हासिल होता है जनाब ये फिश लिवर से हासिल होता है ये भी फिश से हासिल होता है ठीक है डेरी प्रोडक्ट्स आयल और जो फिश है ये दोनों में कॉमन है इसके अलावा ये एग से भी हासिल होता है विटामिन ई को और कहां से हासिल कर सकते हैं बीटा कैरोटीन से जो पाई जाती है ग्रीन वेजिटेबल्स के अंदर और कैरेट्स के अंदर यानी गाजर में और लिवर से भी इसको हासिल किया जा सकता है विटामिन ए को हासिल किया जा सकता है कैरोटीन से जो पाई जाती है ग्रीन वेजिटेबल्स में ठीक है ये सोर्सेज आपने याद करने हैं डेयरी प्रोडक्ट्स ऑयल्स फैट फिश इसमें भी हैं इसमें भी हैं ये सोर्सेज विटामिन ए के सोर्सेज भी यही हैं आर डी के भी इसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज हमने याद की इसके सोर्सेज में इसको हम बीटा कैरोटीन से हासिल कर सकते हैं और बीटा कैरोटीन पाई जाती है ग्रीन वेजिटेबल्स में कैरेट्स में और ऑलिवर में ठीक है और विटामिन डी का जो आ, अदर सोर्स है वो क्या हो सकता है विटामिन डी इज फॉर्म इन द स्किन वेन इट इज एक्सपोज टू द सन लाइफ यानी सन लाइट में जब आप अपनी स्किन को एक्सपोज करते हैं दूसरे लफ्जों में आप कहने जब आप धूप सेकते हैं तो आपकी स्किन में विटामिन डी बनता है धूप सेकने का और अपनी स्किन को धूप में सन लाइट में एक्सपोज करने का जो बेहतरीन सूटेबल टाइम है फाइव मिनट्स टू टेन मिनट्स तक आप अपनी स्किन को एक्सपोज करें एट लीस्ट मैं आपको कह रहा हूं तो आपकी स्किन में विटामिन डी बनेगा और उसके बहुत सारे फवायद हैं वो फवायद क्या हैं जी जब विटामिन डी आप डिफरेंट सोर्सेज से हासिल करते हैं या सनलाइट से हासिल करते हैं तो इसका रोल क्या है ये एब्जॉर्पन एब्जॉर्बन ऑफ कैल्शियम को बढ़ा देता है और आपको पता होना चाहिए कैल्शियम एसेंशियल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी बोन ये हेल्दी बोन्स की मेंटेनेंस के लिए आप साद लफ्जों में कह लें ये बोन्स को जो है स्ट्रांगर बनाने के लिए कैल्शियम जरूरी होता है और कैल्शियम की एब्जॉर्बन में मदद कौन देता है डी अगर आप डिफरेंट सोर्सेस से या सनलाइट से आप डी को हासिल कर रही हैं इनटेक कर रहे हैं अपनी बाडी के अंदर तो उससे कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन हड्डियों में बढ़ेगी जब एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो हड्डियां क्या होंगी मजबूत होंगी हाँ अगर हड्डियां मजबूत नहीं होती विटामिन डी की आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो गई है विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो कैल्शियम जो है आपकी हड्डियों में ऐबजॉर्ब नहीं होगा जब यह एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और हड्डियां कमजोर होने की वजह से जो डिजीज काज होती है उसे हम कहते हैं रिकेट्स ये ज्यादातर जो है ये छोटे बच्चों के अंदर जो है ये डिजीज पाई जाती है अब इसके यूजर्स हमने डिस्कस नहीं किए वो भी डिस्कस कर लेते हैं ये एपिथीलियम मेंटेन द हेल्थ ऑफ एपिथीलियम एंड एक्ट ऑन द रेटिनास डार्क एडेप्टशन मैकेनिज्म देखो जो एपिथीलियम है फॉर एग्जांपल इसी आई की अगर हम बात कर रहे हैं आंख की बात कर रहे हैं तो उसकी सबसे पहली पहली जो कवरिंग है झिल्ली होती है उसे क्या कहते हैं एपिथीलियम उसकी हेल्थ को मेंटेन रखती है आर आई का वो पार्ट जहां पे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है आप इस वीडियो में ये जो मार्कर देख रहे हैं या मेरा हैंड देख रहे हैं इसका ये जो इमेज बन रहा है वो आपकी आंख के रेटिना पे बेटा बनता है इमेज कहां बनता है रेटिना पे बनता है और ये रेटिना डार्क एडेप्टन मैकेनिज्म पे ये अमल करता है डार्क एडेप्टन मैकेनिज्म का क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि जब आप फॉर एग्जाम्पल सनी एरिया से दीद लाइट वाले इंटेंस लाइट वाले एरिया से आप किसी ऐसे रूम में चले जाते हैं जो डार्क है डार्क रूम में आप जाते हैं तो आपको फौरन से चीजें जो है वो नजर नहीं आती कुछ देर के बाद वो रेटिनास का जो मैकेनिज्म है जो सेंसिविटी है सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाती है इंक्रीज हो जाती है रॉड सेल्स जो, जो है वो जो है वो ज्यादा बेहतर काम करते हैं जिसकी वजह से रेटिना में मौजूद यानी आंख में मौजूद जो राड सेल है वो ज्यादा काम करते हैं बनस्पत कौन सेल्स के तो इस तरह से अंधेरे में रेटिना का जो तसरुफ है उस वो बेहतर हो जाता है विटामिन ए की बेटा डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक डिजीज है याद रखिएगा एमसीक्यूज में आ जाए तो आपको पता हो नाइट ब्लाइंडनेस रात का अंधापन और आई इन्फ्लेमेशन आंखों में जो है वो सोजिश हो जाती है इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन और इसमें पढ़ना क्या हमने विटामिन की इम्पोर्टेंस को पढ़ना है ईच विटामिन प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द डिवेलपमेंट ऑफ बॉडी अगर आप डेफिनेशन को आ, अपने माइंड में लेके हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी वो डेफिनेशन क्या थी 1912 ट्वेल्व में हॉपके नोटिस किया इन एडिशन टू कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड लिपिड सम अदर substances आर रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ organism बॉडी की ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कुछ दूसरी सब्सटेंसेस भी रिक्वायर्ड होती हैं इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और लिपिड्स के अलावा यानी नॉर्मल ग्रोथ के लिए ये जरूरी है बॉडी की डिवेल्पमेंट के लिए ये जरूरी है ये हम डेफिनेशन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इसका जो सेकेंड प्वाइंट है जो नेचुरल विटामिन है वो ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस की शक्ल में पाए जाते हैं एंड दे आर फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस दे आर फाउंड इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आवर बॉडी इज अनेबल टू सेंथिसाइज विटामिन एक बात को जहनशी कर लें कि इन विटामिन को हमारी बॉडी सेंथिसाइज नहीं कर सकती जब विटामिन को सेंथिसाइज नहीं कर सकती तो फिर बॉडी को ये फ्राम कैसे होते हैं ये डाइट के जरिए डायरेक्टली हम फ्रॉम करते हैं या डाइटरी सप्लीमेंट्स के जरिए आजकल सप्लीमेंट जो है विटामिन के जो सप्लीमेंट्स हैं मेडिकल स्टोर वगैरह से जो है अवेलेबल होते हैं तो उन सप्लीमेंट्स के जरिए हम ये विटामिन जो है अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं जब बॉडी सेंथिसाइज नहीं कर सकती विटामिन को जहरी बात है इनटेक करेंगे या डाइट के जरिए या डाइटरी सप्लीमेंट्स के जरिए एंड थर्ड वन इज विटामिन कैन नाट भी असीम्यूलेटेड विदाउट इंजेस्टिंग फूड फूड को इनटेक किए बगैर हम विटामिन को असीम्यूलेट नहीं कर सकते ये हमारी बॉडी के अंदर जज्ब नहीं होते असीम्यूलेट नहीं होते हैं इसलिए विटामिन जो हैं रिकमेंड किए जाते हैं कि इनको डाइट के साथ लिया जाए यानी मील के साथ लिया जाए और ये हमारे मेटाबलिज्म को ये रेगुलेट करते हैं मेटाबोलिज्म के बारे में आप जानते होंगे बॉडी में होने वाले तमाम जो केमिकल रिएक्शन्स हैं उन सब को हम क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म कहते हैं ठीक है जी तो बॉडी में होने वाले जो मेटाबॉलिज्म है यानी तमाम किस्म के जो केमिकल रिएक्शन हैं उनको ये विटामिन क्या करते हैं रेगुलेट करते हैं हमने लास्ट बात को एक दफा फिर रिवाइज uh, कर लेते हैं विटामिनस जब खुराक को इंजेस्ट किए इनटेक किए बगैर असिमिलेट नहीं हो सकते तो फिर ये रिकमेंड किए जाते हैं कि ये डाइट के साथ लिए जाए ठीक है जी खुराक के साथ लिए जाए तभी ये एसिमिलेट होंगे और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं जी रेगुलेट करते हैं इतना छोटा सा पॉइंट है उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा दैट्स इट थैंक यू अल्लाह हाफिज